Diba liang diba? दर्शक बिनाहरु नमस्कार, म दीपक नेपाल। अहिले म पर्सा जिल्लामा आएको छु। यहाँनिर चाहिँ घरमा चाहिँ दुईवटा तिनवटा चाहिँ सर्प देखा परेको छ र त्यो सर्प चाहिँ म अहिले रेस्क्यु गर्नको लागि चाहिँ पर्सामा आएको छु र सर्प चाहिँ दाईको घरमा छ। दाईको नाम के हो? अलि गोबर मिया। र यो कुन ठाउँ हो? यो ठाउँको नाम बौद्धरमाई नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 बैरिया 2। र सर्प चाहिँ अब म निकालेर चाहिँ तपाईँलाई देखाउनु गइरहेको छु। दर्शक बिनाहरू, यो सर्प चाहिँ यसैमा छ। यहाँ चाहिँ सामान राखेको छ, अलिकति यो काम लाग्ने सामानहरू राखेको छ र यसैमा चाहिँ सर्प बस्छ। यसरी बरु अलिकति हाइट गरेर राख्यो भने साम बस्नु दाइ, यो निकाल्नु पर्यो, निकाल्नु पर्छ। आज मिति 2021 साल 4 महिना 1 गते 2 गते स्थित बैरिया बिरदा 4 स्थित गोमन साथ समात्नको लागि सिमरा महानगरपालिकाबाट आउनु भएको यो राख्नु एकछिन त्यो मेरो झोला थियो नि, कालो झोला। दर्शक बिनाहरू, एउटा चाहिँ धामी सर्प चाहिँ समाति सकेको छ भने अब चाहिँ कोब्रा सर्पको पालो रहेको छ। कोब्रा सर्प चाहिँ काचिलो फेरि ओरि एकदम तगडा भएर बसेको छ। अब म गोबल सर्प निकाल्नु गइरहेको छु। दुईटा साप छ, दुईटा गोवन छ, दुईटा छ,
दर्शकबिनहरू दुईटा सर्प चाहिँ समातिसक्यो, एउटा चाहिँ गोवन सर्प र एउटा चाहिँ थामिन सर्प, अब अर्को पनि एउटा गोवन सर्प रहेको छ, त्यो चाहिँ रातो कलरमा छ है, त्यो चाहिँ सेतोमा
छोट बनाए यो माथि हटाउनु म तिला सक्यो होइन गाउँ न कहाँ यो धामी क्यामेरा म्यान फोकस गरो बेसर समीर क्या बोले कहीं कहाँ छता परिवार कत्रे लोक एकछिन होला म तर 5 मिनट वा हाम्रो नाम दीपक नेपाल हो हाम्रो घर जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 पढी अनि राममोहन कोइला हुने गाडी पढी त यी ठाउँमा आज पहिलो बार आयल भने साप पक्रे खाँदै त पहिले अपने सबैके कुछ बताओ तन जैसे जैसे कि कहा होता है कि पहले कोनो कोनो के साँप काटे तो है ना तो आदमी ज़्यादातर झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं अभी अपने सभी में कोनो बात झाड़ फूक के विश्वास करे वाला कोनो विश्वास करे वाला वही तो झाड़े वाला के बोलाएं
झाड़े वाला के हम भी सांप से कटवाओ तानी वो झाड़ फूक करके ठीक करके दे दी एक करोड़ रुपए हम इनाम दे दें बोखला के सांप काटी देखे का होला जैसे कि यो आई सांप हुआ ये सांप हुआ अभी चूहा खा के उल्टी कोयले रहा ना तो एक और मतलब ये चूहा खोले बा तो 15 दिन के भीतर कोनो के काटी नो तो वो आदमी ना मरे का ऐसे कि 15 दिन के भीतर का होला कि इमे कम जहर रहला एक जहर मुंह में रहला तो चूहा खा के बेला में पूरा जहर एक पेट के भीतर चल जाला जैसे कि सांप कथी होला ये सांप के जहर एक पेट के भीतर जाए तो ये ना मरी लेकिन ये सांप एक देह में काटी तो फिर सांप मरी हमने के भी सांप के जहर पीएम सन तो कुछ फर्क ना पड़ी जैसे कि मार्चा मार्चा सौसे नीलम सन तो कुछ फर्क ना पड़ी माने चबा के नीलम सन तो पीड़ो लागिन तीत लागिन सांप के जहर भी वहीं काम करी खून में मिली तब काम करी एगो होला पॉइजन एगो होला भेनम तो इमे भेनम रहला जौन धान खेत में दवा डलाला ओकरा कहला पॉइजन पॉइजन खाला से लागी भेनम खून में लागी तब लागी तो ई सांप काटिनो तो कति होला कि 100 गोरा में 80-85 गोरा के बिना जर के काटत रहे तो आदमी का कहे कि हाँ झाड़फूक करे वाला में गई हो तो झाड़फूक करे वाला बचा दिल कबो काल आदमी को डर देखावे खातिर भी काटेला जैसे कि डॉक्टर सुई लगावे के बेड़ा में सुई हाथ में घुसावेला तो या घुसाते में दवाई थोड़े चल जाला जब तक ले पिछाड़ी से दवाई ना ठेली तब तक ले ना जाए दवाई ना जाए वैसे के सांप खाली दांत हलाते में कि आदमी मर जाए कहके नहीं खे वो जहर डाली तबे मरी वो पेन तनी मनी जहर डाली तो आदमी ना मर जैसे कि आदमी के भूख लागी एक घास भात से पेट थोड़े भरी नानू भरी एक थाल भात खाए के पड़ी वहीं आदमी के मरे खातिर भी डोज पुगे के पड़ी तब जाके आदमी मरी तो वैसा वैसा आदमी जात रहे झाड़ फूक करवावे ना तो ठीक होत रहे तो कहत रहे कि हाँ झाड़े वाला हमारा के बचा दे कोनो आदमी जहर पी ली झाड़ फूक करे वाला तंत्र मंत्र करते ओकर पेट के जहर निकले सके नानू निकले सके सांप के भी जहर यो काटी तो सीधे नारायणी अस्पताल में जाए के बामी के नारायणी अस्पताल चाहे जिला अस्पताल कलैया जिला अस्पताल में ही एक औषधि उपचार हुए वो फ्री में औषधि उपचार हुए तो सांप काटी तो जल्दी से जल्दी अस्पताल जाए के बाद झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े के नहीं गए आ सांप काटी तो ज्यादा हम ना बताएं जितना बताएं उतने करे के बाद वो अलावा कुछ करे के नहीं गए जैसे कि सांप कौन के काटी न तो आदमी सोचे ला बांधे के बाद बांधे के बाद तो आदमी सोचे ला रस्से से बांधे के रस्सा से बांधे के नहीं ऐसे से बांधे के बाद है नहीं आए तो दे अपने ज्यादातर आदमी के सांप काटी चाहे हाथ में चाहे गोल में काटी चौले के बेड़ा में लात से दवा दे तो गोल में काटी चाहे कुछ सामान निकाले के बेड़ा में हाथ में काटी तो वैसे समय में कहेंगे बांधने के बाद जैसे कि काटल ठाव में से हल्का जैसे कि हेने खाली कहीं काटी ना तो हेने से इतना तक ले बैंडेज करके बाद ऐसे बांधने के बाद एक कहला इंग्लिश में क्रैक बैंडेज जैसे कि हाथ गोर फ्रैक्चर हो जाला तो ना बांधेला अपने सब को हॉस्पिटल में गैले बन कि ना कोनो के सांप काटे रहे रिश्तेदारी में तो लेके कोनो गई रहनी कि ना झरा जा बिना जहरी ला सांप काटी तो झरा जाए चाहे बिना जहर डाल के ना तो हॉस्पिटल में डॉक्टर के क्या जरूरी है खाली झाड़े वाला आदमी जाके ना बैठे तंत्र मंत्र छोड़ दे अभी तो नारायणी मिठाई उम्रदानी के टुको से बना सकता है उतरे लेकिन एंगा पानी के बा आ जा कट लेबा ओकरा छुई छाई कुछ करके नहीं के जैसे कि हैंडे कट लेबा जैसे कि यहां कट ले होय न तो आदमी कितना आदमी सोचले मुख से जहर ताने तो गलत बात मुख से ताने के नहीं के आ हाथ से सोचे भी हैंने दाब के निकालम तो हाथ से एंगे कॉल जाए तो कोती होय था बा जैसे कि डॉक्टर सुई लगा वाला तो हैंगे हैंगे काय करे दवाई जल्दी मिली कटे दवाई जल्दी मिली बाहर ना निकली कटे तो अवरी हैंगे हैंगे कर देम तो का होय अवरी जल्दी जहर फैली तो ये जैसे कि काट ले लेबा तो ये अंके हिलावे के भी नहीं के सांप हैंगे रखे के बाद आ मोटरसाइकिल में बैठ के पिछाड़ी गोरा पकड़े के बाद पिछाड़ी गोरा बिरामी के बीच में रखे जितना हो सके जल्दी अस्पताल जाए के बाद आ डरे वरे के नहीं के फिर जितना डरल जाए का कि मुटू के धड़कन तेज हो ना मुटू के काम हमने के ब्लड के सर्कुलेशन करे वाला काम ब्लड के ठाव ठाव में शरीर के अंग में पुगे वाला काम जितना जल्दी धड़किन उतना जल्दी खून हमने के चालू है जितना चालू है उतना जल्दी ऊपर के टिकट कटा जाए ओके चलते डरे वरे के नहीं के जैसन बानी तो है कुछ ना कह के चुपचाप बैठी बा अस्पताल जाए के बाद तुरंत तो आदमी बाँच इतने करे के बाद एक अलावा ज्यादा कुछ करे के नहीं बुझनी है ऐसे बांधे के बाद अभी तक ली गाँव के कौन अस्पताल गए नहीं कि कौनों के सांप कट ले रिश्तेदारी में अस्पताल में भी आएंगे बांधे ला बुझनी है रोसा से बांधा जाए तो क्या हो कि खून चालू ना हो तो हाथ के काटे के पड़े
यी ऐसा नारायण तो सल से भी आदमी बांध सकते सल रहेला ना गमछा से सल गमछा कुछ से बांध सकते माने नस के बंद ना हो के पड़ल कुन चालू ही रहे के पड़ल अब सांप के काय बचाओ के बात था बा सुना ले ना अब सांप काटी तो किंगे करे के बाप बता देनी हो हाँ सुना ले कार हाना करता आज सांप के टोकाई से बहुत से खातिर क्या करे पड़ी कि जैसे जहरीला सांप सभी रात में निकले था सांप ना चाहे ला कि आदमी के काटे खातिर कुछ नहीं है जैसे अमर पॉकेट में पैसा बात एक और मदद में जेंगे तेंगे फेंकते फेंकते रास्ते में थोड़े चले जहाँ हमारा जरूरी पड़ी वहाँ नहीं यूज करें वैसा कि सांप के जर भी वैसा के रहा ओकरा जहाँ जरूरी पड़ी छुआ हुआ मुहावे खातिर तो उस समय में यूज करे वैसे ना ना कि कौनों के देखी तो काटे अब ये घर में रहे सांप हुआ दूध का गहन रहे धामी रहे कटले बा घर के कटले नहीं खेनो बस अभी का जमाना में सांप सांप से ज्यादा जहरीला आदमी रहेगा सांप काटी तो आदमी मरी कि ना मरी ठेगा नहीं गए लेकिन आदमी के नजर में सांप आए तो सांप के मरे के ही पड़े तो सांप आदमी के देखते में ना काटेला तो ये सांप ना रहे नो तो धान खेत भी ना हुई आदमी के जैसे दर्द कम करे वाला दवाई रहेला नो सांप के जहर से बनेला सांप ना रहे तो बाप बाप चिल्ला के बैठे के पड़े कुछ नहीं सांप के जहर ना रहे तो ऑपरेशन करे के बेला में नो सांप के जहर से बनल दवाई ना रहे तो ऑपरेशन हो ला ओके चलते सांप के भगवान कला सांप ना रहे तो खेती बाली ना चुहा ज्यादा हो जाए चुहा ज्यादा हो जाए तो हमें था बटे बा धान गेहूँ सब में नुकसान करी चुहा धान दुखा ओके चलते पहले पहले के आदमी धान खेत में पूजा करो तो नाग देवता के और कुछ पूछे के बाबू सबके सुन अमर नाम कहीं अमर नाम दीपक नेपाल सब जगह यूट्यूब में देखी दीपक नेपाल यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करी ओमें हम बताइले बानी कौन सांप जहरीला कौन जहरीला ना जहरीला सांप ना काटे तो अस्पतालों जाए के ना पड़ी खाली गोवन से आग कॉलेट से हमने के एरिया में गोवन आग कॉलेट मिली कौन गोवन है कौन कॉलेट है उन्हें बताइए वानी वो चीनी गोवन कॉलेट काटी तो अस्पताल जाए के ना बिना जहरीला सांप काटी तो पूछो ना हो नंबर 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 लिखने का कौन सबके नोट कर लिए बोलना तो संतानवे पैंतालीस नंबर निकल नंबर है संतानवे पैंतालीस चौवन सैंतालीस पैंतालीस चौवन चौवन छप्पन 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 सब गए नीचे दर्शन ना तो फिर लिया है हम सांपो वाले खाने दोनों हरा करें तो ठीक है धामी साहब के बारे में एक अंधविश्वास कथी बन आदमी तोहरा खुद से मारे खुद से मारे तो कुछ ना हो बुझलिए बारह पंद्रह साल से हम सांप को प्रथम एवं लाभ उठाए जो बात ये पूछा से मारे तो कुछ ना हो इनमें शंका भी जॉइन आ रहा आदमी को वाला ये सूट के लिए मुर्गी के दूध पिया ला सात दूध ना पिया ला बुझनी हम अपन आँखों से देखे न दूध पियल गाय भैंस के तब भी हम विश्वास ना करें क्या वाला कि जैसे कि एक इस सांप के लगे होते हैं ज्यादा बुद्धि ना रहे एक लगे ज्यादा बुद्धि ना रहे बुझनी ज्यादा
आई दूध दही घी मई कुछ ना खाई दूध दही खाई तो आदमी खाई बुझनी है कुछ ना खाई आइयो काटे के काटे ला आदमी सब धान साग चिने का तरीका था धान लागल अपने सब साग काटी तो अस्पताल जाए के बाद झाटू के चक्कर में पड़े नहीं कि आई कुछ से बारी तो कुछ जैसे कि देखिए आदमी के भागे के बारे में कभी हाथ हिलाते हिलाते भाग ला ना साग के लगे हाथ में पूछ बा तो पूछ ना अलग थी भागे ना सके भागे के बारे में तो अगर आदमी के लगे तो आदमी सोचे कि कुछ से मार दिल बा अब हम देश के बारे में कुछ ना हो दुनिया इनमें तंगा भी किस ना है अब देखिए हमने सभी के घर में सांप को घुसी मार जैसे घर के भीतर घर में सामान खुशी ना वैसन के होना कि लेकिन चौदह के लिए समझ खेल मजारी ना बोल दर्शक बिनाहरू तपाईँले देखिहाल्नुभयो सबै सर्प चाहिँ समातिसकेका छ र अब यो सर्पलाई चाहिँ म एकैचोटि जङ्गलमा लगेर चाहिँ छोड्नेछु। दर्शक बिनाहरू म दीपक नेपाल अहिले भर्खरै उद्धार गरेको सर्पहरू चाहिँ अहिले म छोड्नलाई चाहिँ जङ्गलमा आइसकेको छु र अहिले चाहिँ साँझ परिसकेको छ एकदम अँध्यारो अँध्यारो चाहिँ हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। अहिले 7 बजेर चाहिँ 12 मिनट गइरहेको छ भनेदेखि उतापट्टिको तपाईँहरूलाई म अलिकति मौसम देखाउन गइरहेको छु। हेर्नु होला मौसम कस्तो देखिरहेको छ। अहिले चाहिँ सर्प छोड्नलाई चाहिँ जङ्गलमा आएको छु र यो भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ छ यो सर्प छोड्नको लागि चाहिँ यो अलिकति पहाड जस्तो पनि छ यतासम्म पनि छ र उतापट्टि देखिरहनु भएको छ उतानिर चाहिँ खोला पनि छ ठुलो खोला र अब म ढिलो नरिकन सर्प छोड्न गइरहेको छु र पहिला चाहिँ म त यो चाहिँ धामिन सर्प चाहिँ छोड्न गइरहेको छु है यसमा चाहिँ धामिन सर्प छ बोलियो मत तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो यो चाहिँ धामिन सर्प रहेको थियो। अब यसमा चाहिँ गोबन सर्प रहेको छ र यसमा चाहिँ एउटा कालो गोबन र एउटा चाहिँ सेतो गोबन रहेको छ। अब म सर्प निकाल्न गइरहेको छु अलिक नजिक
निस्कि चाँडो निस्कि यो चाहिँ भाले रहेको छ र यो चाहिँ पोथी रहेको छ भालेले चाहिँ एकदमै गाली पनि गरिरहेको छ यो चाहिँ कालो गोबन रहेको छ कालो गोबन चाहिँ गइसक्यो र यो चाहिँ फुवा फुवा गरेर बसिरहेको छ ल नाग महाराजी जानु जानु झाडीतिर जानु रिसाउनै पर्दैन जानु दर्शकबिनहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ नाग महाराजी चाहिँ गइसक्नुभयो झाडीभित्र मैले यहाँ छोड्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो जाली तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर चाहिँ यो ढुङ्गाको जाली लगाएको छ यो जालीभित्र चाहिँ यो सर्पहरू चाहिँ बस्न सक्छ यो चाहिँ सर्पहरू चाहिँ बस्ने ठाउँ भनेको यस्तै हो र यहाँनिर चाहिँ एकदमै घना जङ्गल छ यहाँनिर चाहिँ कोरोना भाइरस लागेको मान्छेहरू चाहिँ गाड्ने ठाउँ हो यो जुन मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु यहाँ चाहिँ कोरोना भाइरस लागेको मान्छेहरू गाड्ने ठाउँ हो र अहिले चाहिँ अँध्यारो भइसकेको छ एकदमै अँध्यारो भइसकेको छ तर चाहिँ हल्का हल्का उज्यालो जस्तो चाहिँ देखिरहेको छ हल्का हल्का दर्शकबिनहरू तपाईँले देखिहाल्नुभयो सर्प चाहिँ मैले चाहिँ छोडिसकेको छु र कतिजनाले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो सर्प चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सम्भावना नआउने रहेछ भनेर चाहिँ यस्तो यस्तो कमेन्टहरू आउँछ ठिकै छ तपाईँले जे बुझ्नुभयो जे देख्नुभयो त्यही भन्ने हो के हुन्छ भने प्रायः जस्तो सर्प सम्भावना गएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भने सर्प आइसकेपछि उनीहरूले मार्न खोज्या हुन्छन् अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो के गरेर सर्पहरूलाई चाहिँ तर्साएको ओरेको हुन्छन् अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सर्प नभागिसकेपछि चाहिँ मलाई बोलाउँछन् अनि म जाँदाखेरि चाहिँ सर्प चाहिँ एकदम रिसाएको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ सर्प चाहिँ समाउनलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ गाह्रो पर्छ तर सधैँभरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ गाह्रो पर्दैन र धेरैजनाले के भन्नुभयो भने सर्प समाउन नआउने रहेछ र सर्पको बारेमा चाहिँ जानकारी दिएन भन्नुहुन्छ मैले सर्पको बारेमा अरू भिडियोमा जानकारी दिइरहेको हुन्छु तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै भिडियोमा चाहिँ सधैँभरि एउटै कुरा भनिरहँदा हेर्ने मान्छेलाई पनि अलिकति बोर लाग्छ त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ सबै कुरा चाहिँ भनिरहेको हुँदिनँ सबै ठाउँमा चाहिँ र मलाई पनि मेरो ज्यानको माया हुन्छ नि सर्पलाई कसरी समाउने के गर्ने पन्जा लगाएको छैन भन्नुहुन्छ कतिजनाले पन्जा लगाउँदाखेरि सर्प रिसाउँछ कि मैले तपाईँहरूले हेरिरहनु भएर मैले कुनै सर्प समाउने मलाई पन्जा लगाउनु छु कुनैमा लगाउँ हुँदिनँ कुन सर्पलाई चाहिँ पन्जा लगाएर समाउनु पर्छ कुनलाई पर्दैन कस्तो अवस्थामा पन्जा लगाउनु पर्छ भन्ने कुरो सबै थाहा मसँग 3-4 जोड पन्जा अलरेडी हुन्छ मेरो ब्यागमा त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ अब आफ्नो विचार अनुसार कसरी सर्प समाउँदा राम्रो हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ गरिरहेको हुन्छु त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अन्यथा नराम्रो कमेन्टहरू नगरिदिनु होला र अर्को कुरा के छ भनेदेखि सर्प एउटा सर्प मऱ्यो भने मलाई मतलब हुँदैन तर म मरेँ भनेदेखि हजारौँ सर्पको ज्यान जान्छ होइन एउटा सर्प मऱ्यो भने बेग्लै कुरा भयो तर म मेरो एउटा ज्यान गयो भने हजारौँ लाखौँ सर्पको चाहिँ ज्यान जान्छ मेरो भिडियो हेरेर पनि कतिजना चाहिँ शिक्षित भइसकेका छन् र घरतिर सर्प आयो भने चाहिँ आफैले समातेर लगेर पनि जङ्गलतिर छोड्छन् त्यही भएर चाहिँ नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु होला बरु हेर्न मन लाग्दैन भने नहेर्नु होला तर मैले पनि जे जति जाने छ त्यति गर्ने हो होइन तर प्रायः जस्तो मैले चाहिँ सर्पलाई चेप्ने ओर्ने दुःख दिने हिसाबले चाहिँ समाउँदिनँ अहिलेको लागि यति नै हस् धन्यवाद